मैं आपका मशहूर हूँ, आपके तमाम कोलीग्स का, कि आप लोगों ने पाकिस्तान के दानिश्वरों को, स्टूडेंट्स को, ख्वातीन को इतना बड़ा फोरम दिया है कि वो इंडिपेंडेंट अपनी राय रख रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये फोरम को आप कंटिन्यू करेंगे। अब बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं बीइंग ए डेमोक्रेट्स, बलूचिस्तान के मसले को समझने के लिए मेरे नजदीक जो इस्लामाबाद में एक माइंडसेट है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो जुडिशरी और मीडिया के हों, वो बलूचिस्तान के मसले को बिल्कुल सतही तौर पर देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के मसले के दो पहलू हैं, एक सियासी है, एक माशी है, जो आपस में जुड़े हुए हैं। सियासी पहलुओं में सबसे पहला मसला यह है कि बलूचिस्तान के अवाम है, वहां पे उसको अपनी राय का हक नहीं है, हम अपनी आजादाना राय नहीं दे सकते हैं, यानी हमें वोट का हक नहीं मिला है अभी तक आजादाना। दूसरी बात जो पाकिस्तान की मजमूई मसला है वो हमारी कौमी तशख्खुस है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक मल्टीनेशनल स्टेट है जहां पे पख्तून, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बलूच रहते हैं, उनको ये हक है कि अपनी मादरी जुबानों में, कौमी जुबानों में बोलें और उनके तमाम वसाइल उन पे खर्च हों। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद को हमारे वसाइल तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हमारी अवाम उसको अच्छा नहीं लगता है, बदकिस्मती है। हमें आज भी वोट का हक नहीं है, वहां पे कुछ हमारे इलीट्स हैं, कभी 2002 में वो मुस्लिम लीग काफ में थे, 2008 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, 2013 में मुस्लिम लीग, 2018 में वो बाप पार्टी में, और 2024 में उनको तकसीम किया कुछ पीपल्स पार्टी में, कुछ मुस्लिम लीग में। और हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमारी बड़ी पार्टियां कंप्रोमाइज हैं, वो हकायक को तस्लीम नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं। हालांकि पीडीएम में हमने बैठ के हमने एक ऐसी चार्टर बनाई कि हमने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बदकिस्मती से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बलूचिस्तान को पॉलिटिकल बजाय स्ट्रेटेजिकली देखा जाता है, इस वक्त बलूचिस्तान के 17 सीटों को देखा जाता है, इसको नहीं देखते हैं कि बलूचिस्तान आप ऑफ द कंट्री है। बलूचिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है, आप इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्लामाबाद कहता है कि रोकोड एक पाकिस्तान के तमाम कर्जों को वो उसको चुका सकता है, लेकिन संदक के साथ क्या हुआ, सुई के साथ क्या हुआ, अभी तक न डेरा बुक्टी में पानी है, न वहां पे दारबंदीन में पानी है। तो मैं समझता हूं कि इसको मैं मुख्तसर करूंगा कि बलूचिस्तान के अवाम को, बल्कि मैं तो कहता हूं इस इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम को भी वोट का हक नहीं था। जब तक बलूचिस्तान के अवाम के सही नुमाइंदे पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, उस वक्त बलूचिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। रहा ये बात कि मिलिटेंट्स के साथ नेगोशिएशंस की, तो मैं समझता हूं कि बातचीत उस वक्त हमने शुरू की जब पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क्यादत ने मुझे एज ए चीफ मिनिस्टर मैंडेट दी। मैं गया वहां पे, वहां मुजाकरात की, 60-70% हम इत्तफाक कर गए चीजों को कामयाबी की तरह। लेकिन बदकिस्मती से जब हम वापस आ गए
तो वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने जो मैंने महसूस की कि उसको राजी नहीं है, हालांकि भेजा भी मुझे खुद, और मैं आज भी समझता हूं जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगी, लापता अफराद का मसला हल नहीं होगा, वहां के नौजवानों को आप रोजगार नहीं देंगे, आप ये जो मार कुटाई है इसको खत्म नहीं करेंगे, कोई मुजाकरात कामयाब नहीं हो सकती। मुझे खुशी होगी कि अगर मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, अस्करी क्यादत हो कि बलूचिस्तान में मुजाकरात करें, जो रोजाना हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, ताकि इस मसले का एक मुनसिफाना हल निकले। और मैं यही समझता हूं कि चूंकि मेरी अपनी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, अदम तशद्दुद का पैरोकार है, लिहाजा हम समझते हैं कि तमाम मसले सियासी अंदाज पे हल हो। आपका शुक्रिया।